जीएस में हम लोग चर्चा करेंगे कि जीएस में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यहाँ पर एक क्वेश्चन था बिहार की साक्षरता दर, बिहार की साक्षरता दर, बिहार की साक्षरता दर पूछी थी। साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार, के अनुसार, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ के अनुसार, अगर मैं यहाँ पर चर्चा कर लूँ तो आप कहेंगे सर 2011 की जनगणना के अनुसार 61.80 होगा, क्या होगा 80% हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, राज्यपाल की शपथ से संबंधित था, राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की शपथ किस अनुच्छेद में है, इससे रिलेटेड आर्टिकल पूछा था, तो आर्टिकल 159 हो जाएगा। एक क्वेश्चन था संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, संविधान सभा की पहली बैठक की फर्स्ट बैठक कब होती है, तो इसकी जो पहली बैठक थी ये होती है 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा था ऑस्कर पुरस्कार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, ऑस्कर, ऑस्कर पुरस्कार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, ऑस्कर पुरस्कार से अब बच्चा नहीं बता पाया क्या था। अगर पहला ऑस्कर पुरस्कार पूछा होगा तो भानु अथैया थी, भानु अथैया ने जीता था, किसने, भानु अथैया ने जीता था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, अगर वहां पहला पूछा होगा तो भानु अथैया जी होंगी। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं मिताली राज का संबंध किससे है, मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेटर है, मिताली राज, मिताली राज का संबंध पूछा है, का संबंध किस खेल से है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है, महिला क्रिकेट टीम की पूर्व, पूर्व बेटा क्या रही है, क्रिकेट टीम की कैप्टन रही है, क्रिकेट से संबंधित है। अच्छा एक क्वेश्चन और था इसी से संबंधित, जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह, बुमराह, बुमराह है बुमराह, चलो जो भी है बुमराह का संबंध पूछा था, तो आप कहेंगे इनका संबंध किससे, इनका संबंध भी क्रिकेट से ही है, क्रिकेट से ही हो जाएगा। अच्छा गरीबी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, गरीबी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, लेकिन क्या क्वेश्चन था कंफर्म नहीं है, क्या क्वेश्चन था वो भी मुझे कंफर्म नहीं बता पाए हैं मित्र हमारे। एक क्वेश्चन था डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, डांडिया, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है, किस राज्य का लोक नृत्य है, लोक नृत्य, लोक नृत्य, तो आप क्या कहेंगे सर गुजरात का, गुजरात का। ठीक है जी, किसका हो जाएगा, गुजरात का हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं रोलेक्ट एक्ट किस समय आया था, अगर यहां पर पूछा जाएगा रोलेक्ट एक्ट के समय वायसराय पूछे गए, रोलेक्ट एक्ट के समय वायसराय कौन थे, वायसराय पूछे गए थे, वायसराय थे जिनका नाम था चेम्सफोर्ड, क्या नाम था, चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड। आगे बात कर लेते हैं टेबल टेनिस में कितने पॉइंट होते हैं, यहां पर ये क्वेश्चन भी पूरा नहीं लग रहा, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस की, अगर टेबल टेनिस की बात करेंगे, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस की बात करते हैं, मैं पॉइंट पूछे थे पॉइंट, अगर बेटा 21 पॉइंट कोई बना लेता है तो 21 पॉइंट जो पहले बनाता है, 21 पॉइंट जो पहले बनाएगा वो जीत जाएगा, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था क्या, कुछ इस प्रकार का यदि क्वेश्चन रहा होगा तो सही आंसर होगा। एक पुरापाषाण काल से भी क्वेश्चन था, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण, पाषाण काल से क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था नहीं पता, तो इससे भी एक क्वेश्चन आया था। आगे हम बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन था भैया यहां पर ही हमने लिख लिए, अच्छा रंग, रण उत्सव पूछा था, रण उत्सव, रण उत्सव कहां मनाया जाता है, रण उत्सव, तो आप कहेंगे सर ये तो कहां मनाया जाता है रण उत्सव, तो आप कहेंगे गुजरात में, कहां पर, गुजरात में। आगे है हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई है, हरित क्रांति, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आती है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी, तो आप कहेंगे सर तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आती है। अच्छा ई श्रम योजना किस वर्ष स्टार्ट होती है, ई श्रम योजना की सर ई श्रम योजना कब आरंभ होती है, योजना, आप कहेंगे सर ये आरंभ होती है 2020 में, कब 2020 में, तो ये हमने पढ़ लिया। दीनदयाल से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, पंडित दीनदयाल से संबंधित, पंडित दीनदयाल, दीनदयाल से संबंधित क्वेश्चन था, इससे इसको भी आप लोग पढ़ लेना, संबंधित क्वेश्चन था कोई। ठीक है, बिहार हमने पढ़ लिया, यही क्वेश्चंस आज हम लोगों को मिल पाए हैं। अच्छा पद्मावत से संबंधित भी कुछ था, पद्मावत मूवी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस था, तो ये प्रश्न आप लोगों के माध्यम से ही हमें मिले हैं। ठीक है, चलिए, तो चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लेना।